आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिलें किसी भी काम के लिए। मुझे जो है इस तरह के जो पार्लियामेंट्री के जो बड़े काम होते हैं, अगर आप उसके लिए जो है मुझे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आपके पास आएगा। मंडी सदर में जो हमारा कार्यालय है, ये इसकी डिटेल है। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है, और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। नहीं तो क्या होता है कि टूरिस्ट इतने ज्यादा मैंने देखा है मनाली में भी आ जाते हैं कि जो आम लोग होते हैं उनको बहुत असुविधा हो जाती है। तो मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड और पार्लियामेंट्री वर्क जो है उसका लेटर, और मैं ये कहूंगी कि अगर आप इन पर्सन आकर मिलें मुझे, चाहे वो मेरे अपर हिमाचल से अगर आप हैं तो मेरे मनाली वाले, कुल्लू मनाली वाले मेरे घर में आइए, और अगर आप मंडी सदर आना चाहते हैं तो इस कार्यालय में आइए। अगर आप बिल्कुल ही लोअर हिमाचल से हैं तो सरका घाट का जो मेरा घर है वहाँ पे कार्यालय है, वहाँ आए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आप मिलकर जो है अपना कोई काम बताते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि कोई मेल आता है या एक फाइल में आती है तो मैं कहती हूँ खैर वो भी हमारे उसमें रहता है, विषय में रहता है, लेकिन जब आप पर्सनली आकर कोशिश करें कि आकर मिलें किसी भी काम के लिए। मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी, काम आप कोई भी लेके आइए, यहाँ पर हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप मंडी पार्लियामेंट्री से रिलेटेड, जो कि आपको सेंटर से रिलेटेड है, हमारी जितनी भी सेंटर से रिलेटेड काम है, चाहे आपको कोई आवास नहीं मिला हो, या जो जल योजना है, या आयुष्मान योजना है, या कोई आपका सेंटर का काम रुका हो, या आपको कोई नई नीति लगता है कि बननी चाहिए सेंटर से, या कोई एक ऐसा विषय है आपका जो पार्लियामेंट में जिसकी आवाज उठानी चाहिए, आपको लगता है कि ये विषय जो है वो एक राष्ट्र स्तर का विषय है, इसकी आवाज पार्लियामेंट में उठनी चाहिए, तो मैं आपकी वो आवाज हूँ। तो मुझे जो है, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मेरे मल्ला हुए भैया जी हरी नाली कुल टूटी गिरी आहारा जे आज हो गया दरवाजा टूटी गया, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ठीक है छोटे काम हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन मुझे जो है इस तरह के जो पार्लियामेंट्री के जो बड़े काम होते हैं, अगर आप उसके लिए जो है मुझे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट आपके पास आएगा। और यहाँ पर भी आपको रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जिनके साथ में आप अपने काम रख सकते हैं, और फिर उनको एड्रेस तो मैं ही करूँगी, ऐसा नहीं है कि वो करेंगे। फिर जब मेरा दौरा लगेगा महीने में एक बार, तो मैं जो है उसको एड्रेस करूँगी। महीने में एक बार मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन जब पार्लियामेंट्री काम होते हैं तो दो दो महीने के बाद भी दौरे लगते हैं। खैर अब वो तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा, लेकिन कई बार एक महीने में आप पाएंगे कि मैं दो तीन बार यहाँ पर हूँ, तो वो हमेशा जो है मैं आपके जितना हो सकता है वो तत्पर रहूँगी। ये एरिया भी बहुत बड़ा है, सरका घाट में भी रहना पड़ता है, अपर हिमाचल में भी रहना पड़ता है, इसमें भी रहना पड़ता है, और ये समझ के नहीं, आप खुद जुड़िए, यहाँ पर आप आइए, आप यहाँ बैठिए, जो आपके दोस्त हैं जिनकी सुनी नहीं जा रही है, आपके रिश्तेदार हैं जिनको लगता है आपको कि जिनके, उनको लाइए आप यहाँ पे, आप इसे अपना दफ्तर सब, आप मेरे साथ काम कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, हम सब जन सेवा का काम करें, आप मेरे साथ आके जुड़िए। चुनावों के दौरान आपने बहुत सी प्राथमिकताएं बताई, तो अब सांसद बनने के बाद क्या आपका पहला प्रोजेक्ट या काम रहेगा जो आप शुरू करने वाले हैं? मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए जो हमारे काम हैं वो पार्लियामेंट्री तरीके से जो है वो हम पार्लियामेंट में ही उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। मीडिया के सामने या मीडिया को बताने का हमेशा विपक्ष का काम रहता है, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चंस डालते हैं, और मैं रेगुलरली क्वेश्चन डाल रही हूँ।
अब क्वेश्चन डलने का जो है वो टाइम शुरू हो गया है, पिछले एक हफ्ते से क्वेश्चन डल रहे हैं। तो रोज सुबह हम क्वेश्चन डालते हैं, मैं हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन मंत्रालयों के लिए डाल रही हूँ, तो जिनमें से उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन पिक होंगे और आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या विषयों पर जो है वो क्वेश्चन डाले हैं। चूंकि सरकार हमारी ही है तो हमारा कोई बनता नहीं है मीडिया में उस चीज को लेकर जो है बयानबाजी करना, हमें सरकार का संपूर्ण सहयोग है और पार्लियामेंट में ही हम इन मुद्दों को जो है डिस्कस करेंगे और अवश्य ही हमें संपूर्ण सहयोग वहां से मिलेगा।